हेलो एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है सैमसंग के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं, सैमसंग के हालात आजकल कुछ अच्छे नहीं जा रहे, काफ़ी बुरे हालात में हैं सैमसंग। क्योंकि रिसेंटली सैमसंग ने नोट 7 को लॉन्च किया था, काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन था। उस मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स थे जो आज से पहले किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें देखने को नहीं मिले। आयरस स्कैनर था, एक बहुत ही अच्छा कैमरा था, एस पेन के साथ काफ़ी नए फीचर्स इंक्लूड किए गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नोट 7 जो था वो अच्छी तरह पॉपुलर नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये थी कि जैसे ही नोट 7 को लॉन्च किया गया, एक दो दिन के अंदर ये खबरें आने लग गई कि नोट 7 की जो बैटरी है वो एक्सप्लोड कर रही है। अब मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जब भी कोई मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है तो उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे होते हैं। जब आईफोन 7 लॉन्च हुआ था तो खबर आ रही थी कि आईफोन 7 के अंदर से अजीब सा एक साउंड निकल रहा है, तो इस तरह के रूमर्स आते रहते हैं। मैंने पर्सनली और दूसरे यूट्यूबर्स ने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने यही सोचा कि नोट 7 की बैटरीज एक्सप्लोड नहीं कर रही होंगी, बल्कि एक्चुअल में कोई बंदा ये बात अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, थोड़े टाइम का फेम हासिल करने के लिए कर रहा है कि नोट 7 की बैटरी एक्सप्लोड कर गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। एक दो दिन के अंदर ये बात क्लियर हो गई कि नोट 7 बाकायदा तौर पर एक्सप्लोड कर रहे थे। 12 के करीब डिवाइसेज एक दिन के अंदर एक्सप्लोड कर गई, और एक डिवाइस एक गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी जब वो एक्सप्लोड हुई, तो वो गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई उसके साथ। अब इससे सैमसंग की रेपुटेशन बहुत बुरी तरह हर्ट हुई, और सैमसंग ने इस चीज़ को बकायदा तौर पर एक्नॉलेज भी किया कि नोट 7 जो थे वो एक्सप्लोड कर रहे थे। और सैमसंग ने एक ऑफिशियल रिकॉल प्रोवाइड किया, जिसके अंदर सैमसंग ने जितने भी नोट 7 के यूज़र्स थे उन्हें ये बात कही कि आप अपना नोट 7 हमें वापस कर दें, हम इसकी बैटरी को चेंज करके जो सही बैटरी है वो लगाकर आपको वापस कर देंगे। और हम लोगों ने यही कहा कि ये ठीक है, सैमसंग को थोड़ा बहुत नुकसान होगा इस चीज़ से, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन थी वो काफ़ी हद तक सुलझती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सैमसंग ने रिप्लेस डिवाइसेस को वापस करना शुरू किया तो पता ये लगा कि वो रिप्लेस डिवाइसेस भी उसी तरह ही एक्सप्लोड कर रही थी। एक नोट 7 एक फ्लाइट के दौरान एक्सप्लोड कर गया, और जब जहाज़ को उतार कर ये बात चेक की गई कि ये नोट 7 का कौन सा वर्जन था, तो ये बात पता लगी कि ये वही रिप्लेस्ड वर्जन नोट 7 था जिसके अंदर बैटरी को सैमसंग ने सही करके वापस किया था। तो काफ़ी कंडीशन ख़राब हो गई, काफ़ी एयरलाइंस ने नोट 7 को बैन करना शुरू कर दिया, काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स ने अपने आप को साइड पर कर लिया नोट 7 से। तो सैमसंग ने ये डिसाइड किया कि वो नोट 7 को ऑफिशियली किल कर रहे होंगे, क्योंकि ये उनकी रेपुटेशन को बहुत बुरी तरह हर्ट कर रहा था। और इस सारे स्टेप के अंदर सैमसंग की जो मार्केट शेयर की वैल्यू थी वो तकरीबन $18 बिलियन कम हो गई, जो कि तकरीबन $1800 करोड़ बनते हैं। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, लेकिन सैमसंग की जो टोटल वर्थ है उसके हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी वर्थ $300 बिलियन से भी ऊपर की है। इसके बाद नोट सीरीज़ के रिलेटेड डिफरेंट खबरें आने लग गई। कोई लोग कह रहे थे कि नोट सीरीज़ को मुकम्मल तौर पर किल कर दिया जाएगा, आपको कभी भी कोई नोट सीरीज़ की डिवाइस देखने को नहीं मिल रही होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि सैमसंग नोट सीरीज़ को लॉन्च तो करेगा लेकिन एक डिफरेंट नेम से लॉन्च करेगा, हो सकता है कि नोट के साथ कोई एक वर्ड ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल Note X1, Note X2, इस तरह का कोई नाम कर दें। तो डिफरेंट टाइप्स के रूमर्स थे और कुछ भी कन्फर्म नहीं हो रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि सैमसंग खुद भी ये बात कन्फर्म नहीं कर सक रही थी कि वो आगे फ्यूचर के अंदर क्या स्टेप ले रहे होंगे। लेकिन अब एक सैमसंग रिप्रेजेंटेटिव से जब बात की गई थी तो उसने ये बात बताई है कि नोट 8 तो कभी भी मार्केट के अंदर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो S8 आना था, बेसिकली आपको S8 जो है वो सिंपल वेरिएंट में मिल रहा होगा, और S8 का जो एज वेरिएंट है जिसके दोनों साइड पे एज होती हैं, उसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिल रहे होंगे जो कि आपको नोट 8 के अंदर मिलने वाले थे। यानी कि S8 एज के साथ आपको एक एस पेन भी मिल रहा होगा, आपको आयरस स्कैनर भी मिल रहा होगा, और वो सारे फीचर्स मिल रहे होंगे जो कि इससे पहले आपको नोट सीरीज के अंदर देखने को मिलते थे। अब इससे सैमसंग की जो रेपुटेशन है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, क्योंकि सैमसंग एस सीरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक और चीज़ भी होगी कि सैमसंग साल में सिर्फ एक दफ़ा नए मोबाइल फ़ोन्स को लॉन्च कर रहा होगा, जिससे उनके जो मोबाइल फ़ोन की प्राइसेज हैं वो इतनी जल्दी कम नहीं होंगी जैसे पहले हुआ करती थी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कि अगर नोट सीरीज़ किल कर दी जाएगी और एस सीरीज़ के अंदर ही नोट सीरीज़ को मर्ज कर दिया जाएगा तो इनके अंदर क्या फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बस सबसे पहले तो जो बात की जा रही है वो है ड्यूल कैमरा की, जिस तरह आपको आईफोन 7 प्लस या हवावे के मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर मिलता है, क्योंकि सैमसंग हमेशा अपने कंपटीटर्स के साथ चल रहा होता है, और ड्यूल कैमरास के साथ आपको ऐसे फीचर्स मिल सकते हैं जो कि आप सिंगल कैमरास के साथ कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि सैमसंग अपनी नई सीरीज़ के अंदर 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर लेके आ रहा होगा, जिसका मतलब ये है कि उनका जो प्रोसेसर साइज़ है वो और छोटा हो जाएगा। और जो लोग नहीं जानते उनको मैं ये बात बता दूं कि प्रोसेसर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के दो तरीके होते हैं। पहली बात तो यह है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दें। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि प्रोसेसर के अंदर जो डेटा की ट्रांसफ़र की स्पीड है आप उसको बढ़ा दें, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप प्रोसेसर के साइज़ को छोटा कर दें। क्योंकि जब आप प्रोसेसर के साइज़ को छोटा कर देंगे तो जो डेटा है उसको कम रास्ता तय करना पड़ेगा कहीं पर भी मूव करने के लिए, तो उससे भी प्रोसेसर की स्पीड तेज़ हो रही होगी। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि इसके अंदर आपको मिलेगा एज टू एज डिस्प्ले। अब इससे पहले जितने भी रूमर्स एज टू एज डिस्प्ले के मिले हैं हमें किसी भी मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड,
वो बेसिकली फॉल्स हुए हैं, क्योंकि आज तक कोई भी कंपनी एच टू एच डिस्प्ले नहीं बना सकी। और सैमसंग जो कि अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कैपेसिटिव बटन्स और फिजिकल बटन्स देती है नीचे वाली साइड पर, उनसे ये कम ही उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह का कोई काम करेंगे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि रिसेंटली एप्पल ने भी एक पेटेंट अपना अप्रूव करवाया है जिसके थ्रू आप स्क्रीन के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर को एम्बेड कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर किसी भी जगह पर टच करेंगे और आपका फिंगरप्रिंट जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो अब माना यह जा रहा है कि सैमसंग सिर्फ ऊपर वाली साइड पर आपको एक छोटा सा स्पीकर देगा जिसके साथ एक कैमरा मौजूद होगा, और नीचे वाली साइड पर आपको सिर्फ एक माइक मिल रहा होगा। उसके अलावा जितने भी बटन्स हैं वो आपको स्क्रीन के अंदर ही मिल रहे होंगे, जिससे आपको जो स्क्रीन साइज है वो भी ज़्यादा मिल रहा होगा, और ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन है वो भी बेहतर हो रहा होगा, और मोबाइल फ़ोन की चिंस कम हो जाने से उसकी हाइट भी कम हो रही होगी। इससे S8 काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिवाइस बन जाएगी। उसके अलावा आप उसे सिंगल हैंड में यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि उसका जो ओवरऑल साइज़ है वो भी कम हो जाएगा। पर्सनली मैं सैमसंग के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सैमसंग की कंपनी इस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ के ऊपर आगे खड़ी हुई है। अगर वो यहाँ पर इस चीज़ को अच्छी तरह टैकल कर लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी बन जाएंगे, वो वापस अपने रैंक के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर वो इस चीज़ को टैकल ना कर सके तो उनका भी हाल वही होगा जो कि नोकिया का हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली अभी सैमसंग के हालात काफ़ी बुरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सैमसंग मार्केट के अंदर से रिमूव की जाए, क्योंकि अगर सैमसंग मार्केट के अंदर से चली गई तो हमें एप्पल की डिवाइसेज ही टॉप के ऊपर मिल रही होंगी और उनकी मोनोपोली हो जाएगी। वो जो मर्जी चाहेंगे वो करेंगे, वो अगर फीचर नया देना चाहेंगे वो देंगे, अगर वो नहीं देना चाहेंगे तो वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग एक सैमसंग की डिवाइस के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बटन आ रहा होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, नहीं पसंद आई तो आप इसे डिसलाइक करें। कोई बात है, कोई सजेशन है, या कोई चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।